मुंबई में अब गणेश मंडलों ने ड्रेस कोड लागू कर दिया है। जी हाँ, अंधेरी के राजा मंडल ने गणेश भक्तों के लिए ड्रेस कोड जारी किया है। हाफ पैंट और छोटी स्कर्ट पहनने वाले श्रद्धालुओं को अंधेरी के राजा के दर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ड्रेस कोड के लिए बाहर और अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर यह भी चित्र है कि किस प्रकार की पोशाक की अनुमति है और किस प्रकार के पोशाक की अनुमति नहीं है। जो लोग हाफ पैंट और स्कर्ट पहनकर आएंगे, उनके लिए यहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए लुंगी और फुल पैंट भी रखे जाएंगे, जिसे पहनकर आप बप्पा के दर्शन कर सकते हैं। मंडल के अधिकारियों ने बताया कि यह नियम 15 साल पहले लागू किया गया था और हर साल इसका पालन किया जाता है। को यहाँ पर नियम क्या है, यहाँ का मूर्ति का जो फर्स्ट लुक है और जो डेकोरेशन हमने किया है, उस दिन मीडिया वालों को पूरा कवरेज करने को देते हैं। ये मीडिया लोग इतना अच्छे जो डेकोरेशन हम लोग इतना खर्चा करके बनाते हैं, तो वो लोगों तक पूछना चाहिए। वो मीडिया ही भी पहुँचा सकती है, उसके सिवा कोई पहुँचा नहीं सकता। तो इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का थ्रू उनका पहला लुक्स है, जो डेकोरेशन का जो है, ड्रेस कोड के बारे में हर चीज़, यहाँ पर हम लोग इंश्योरेंस के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, हर चीज़ के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन मीडिया को देते हैं। इस प्रकार से इस पर नया देखने, एक्चुअली 14-15 साल का पहला हम लोग ने ये जो एक रूल्स निकाला है, जो अंधेरी का राजा का जो दर्शन करने को आएंगे 13 साल के ऊपर का लड़का या लड़की, उनको जो घुटने का ऊपर जो कपड़ा जो पहन के आते हैं या स्लीवलेस पहन के आते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर दर्शन के लिए मना करते हैं। उनको यहाँ पर लुंगी और शॉर्ट्स दिया है, रखा है हमारा सिक्योरिटी कैबिन में। उनको निराश तो नहीं करते, हमको वापस नहीं भेजते, वहाँ पर कपड़ा वो पहन के उनको दर्शन देते। और ये रूल सभी को एप्लीकेबल है, जो बॉलीवुड का लोग हो या राजनीति का लोग हो या आम पब्लिक हो, आम जनता हो, सभी को ये रूल एप्लीकेबल है। और इसका हम लोग को बहुत अच्छा खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे देश में अलग अलग स्टेट के जो मंदिर है, ये रूल्स को आज के दिन में पालन कर रहे हैं। अभी शिरडी जो मंदिर है, शिरडी का महाराष्ट्र का, वो ये नियम को पालन किया है। तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, आर्ग्यूमेंट हुई है, बहुत सारे महिला विभाग के लोग बैठे हैं, बहुत सारा चीज़ हुआ है। और हर चीज़ को हम इसमें पेश किए और हमारा रूल को हमने इंटैक्ट रखा है। जो लोग यहाँ पर अंधेरी का राजा का दर्शन करने को आएंगे, वो अपने आप को प्रॉपर ढके हुए कपड़े से और मिनी शॉर्ट्स, ये स्लीवलेस, इस तरह के कपड़े ना डाल के आए। और उनको अगर डाल के आते हैं, दूसरा प्रांत के लोग, इंटरनेशनल लेवल से आते हैं लोग, बारगाव से, अलग अलग देश से आते हैं, तो उनको यहाँ पर सुविधा हमने करके रखा है। का कुछ खास देखने को मिला है, पहले यहाँ पर आते थे जो, यहाँ पर हम लोग बहुत सारे गणेश भक्त है, उनका भी हम लोग यहाँ पर कंप्लेंट मिला है, हमारा जो कंप्लेंट डेस्क है उसको। तो उसके बाद हम लोग ने एक एजीएम में हमने डिस्कशन करने के बाद ये जो डिसीजन लिया कि जो घुटने के ऊपर कपड़ा, जो क्योंकि जो गणेश भक्त है वो मूर्ति का, गणपति का जो पैर का जो दर्शन लेते हैं, तो वहाँ तक जाना और आप अच्छे कपड़े पहन के, अगर अपना हिंदू संस्कृति के हिसाब से अच्छे कपड़े डाल के जाना, वो अच्छा है। क्योंकि मुस्लिम का भी अभी देखो, आप देखेंगे तो वो भी अच्छे कपड़े डाल के आ रहे हैं, पूरा अपने को ढक के आ रहे हैं, तो इसमें हिंदू संस्कृति में क्यों नहीं, तो सब अच्छा कपड़े डाल के, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म है, उसमें बहुत सारा चीज़ें हैं, उसको फॉलोअप करना आज का जनरेशन के लिए बहुत कंपलसरी है। ओके सर।